पीसीआई के एक नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पीसीआई के नोटिफिकेशन में क्या क्लियर था और डी फॉर्म, बी फॉर्म और फॉर्म डी इनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या कोई ये चीज नहीं है। आपका स्वागत है फार्मेसी वर्ल्ड में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पीसीआई के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्या कहा है और क्या एक नई चीज है कि पुरानी चीज है। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा। अरे भाई, डीफॉर्म के बच्चे जो है होपलेस हो रहे हैं, फॉर्म डी के जो स्टूडेंट है वो होपलेस हो रहे हैं, बीफॉर्म के बच्चे अलग होपलेस हो रहे हैं, तो क्या चीज पीसीआई ने बोला है और क्या चीज इसमें क्लियर है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पहले बात करें नोटिफिकेशन में क्या बोला गया था। इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि क्लेरिफिकेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मेसिस्ट। ठीक है, 1940 एक्ट आप सब जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा है कि 1948 एक्ट क्या है और उसमें क्या क्या बताया है पीसीआई ने। क्लियर कट है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आई थिंक 1948 एक्ट सबको पढ़ना चाहिए कि पीसीआई एक्ट है क्या, फार्मेसी एक्ट है क्या और उसमें क्या क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर क्या ये मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट की पीसीआई ने बोला है। देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत दे रहा हूं कि कोई नई बात नहीं है कि आया पीसीआई ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, ये सब पुरानी बातें हैं। लोगों को पीसीआई जो है हमेशा जो है घंटा बजा के याद करवा रही है। ठीक है, पुरानी बातों को वो रिपीट कर रही है और हमको ही नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपीट कर रही है। हम आए हैं बोले ये नई बात है कि फॉर्म डी, बी फॉर्म और डी फॉर्म जो है इक्विवेलेंट कर दिए गए हैं। ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1948 डी फॉर्म, बी फॉर्म और फॉर्म डी, डी फॉर्म, बी फॉर्म और फॉर्म डी, ये तो तीनों ही इक्वल कर दिए गए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये तीनों इक्वल कर दिए गए हैं कि नहीं कर दिए गए हैं, ये अलग बात है। मैटर यहां पर ये है कि रियल बात है जब 10+2, ठीक है, 10+2 पीसीबी या पीसीएम, ठीक है, ये कोई भी बच्चा जब करेगा तो वो होगा डी फॉर्म करेगा या बी फॉर्म करेगा या फिर फॉर्म डी करेगा। ठीक है, अब डी फॉर्म बहुत सारे कॉलेजों में है, बी फॉर्म बहुत सारे कॉलेजों में, फॉर्म डी बहुत ही कम कॉलेजों में। ठीक है, क्योंकि इनकी सीट भी बहुत कम होती है। डी फॉर्म बी फॉर्म की जो है 60 पीसीआई द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, तो फॉर्म डी की 30 होती है। ठीक है, ये 2 साल का कोर्स है डी फॉर्म, बी फॉर्म जो है 4 साल का है और फॉर्म डी मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 6 ईयर का कोर्स है। तो क्या इफेक्ट आ रहा है और इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, हम ये देखेंगे कि देखिए जब भी 10+2 की बात करेंगे तो रियल बात है कि वो एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट ही बनेगा। फार्मेसी काउंसिल, जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल है एसपीसी, वहां पर जब रजिस्ट्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि एक फार्मेसिस्ट ही बनेगा। तो उसमें बहुत बड़ी अचंबा की बात नहीं है कि फार्मेसिस्ट ही होगा। ठीक है, चाहे उसने कोई भी पढ़ाई की हो, 10+2 के बाद की ही पढ़ाई वो मानी जाएगी। ठीक है, और वो एक फार्मेसिस्ट होगा, बहुत बढ़िया है। तो यहां पर क्या नाम है, मैं कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो को क्लियर करूंगा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा डी फॉर्म पे और बी फॉर्म पे। ठीक है, तो ये नई बात नहीं है। 2019 में क्या हुआ था, एक डॉक्टर, फॉर्म डी डॉक्टर थे, उनके फादर जो थे साइमन जोशुआ जी। ठीक है, साइमन जोशुआ, ठीक है। अब साइमन जोशुआ जी ने क्या हुआ था कि हंगर स्ट्राइक की थी 52 दिन के लिए। ठीक है, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था पीसीआई के बिल्डिंग के सामने। ठीक है, तो पीसीआई के बिल्डिंग के सामने जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया 52 दिन की, पीसीआई की टीम रोज आती भी थी। यदि आपने 2019 की वीडियोज नहीं देखे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट नहीं देखे हैं, तो फेसबुक पे ऑलरेडी अपलोड है विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट चैनलों के द्वारा, अब वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पीसीआई बिल्डिंग के सामने जो है प्रोटेस्ट किया था, और उस समय जो थे हमारे पीसीआई प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बी सुरेश। ठीक है, तो क्या था कि उसमें प्रोटेस्ट में जो था कि उन्होंने ये बोला कि क्या बात है, फॉर्म डी करने के बाद ना कोई गवर्नमेंट जॉब है, ना ही कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट मिलती है। ठीक है, और प्राइवेट में भी जॉब कम है। ठीक है, तो आप ये दावे करते हो, और 6 साल का कोर्स करने का क्या फायदा, आप यूएस के कोर्स को इंडिया में लेकर आए, पर इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सही बात थी। अब फॉर्म डी डॉक्टर अपने दम पे जो नौकरियां पा रहे थे पीसीआई में क्या कर रही थी। ठीक है, फॉर्म डी क्यों लाए, क्या
क्यों नहीं लाया गया। तो उसके बाद जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में भी प्रेशर जा रहा था, पीसीआई भी जो प्रेशराइज हो रही थी। उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ठीक है एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला जो कि था 16/7/2019 का, ठीक है जुलाई में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि फाउंडी उस पूरे जॉब के लिए क्वालिफाइड होगा जिसमें जो है डी फॉर्म बी फॉर्म होंगे, मेरे पास समझिएगा, जिसमें डी फॉर्म बी फॉर्म होंगे और एम फॉर्म होंगे, यहां तक मास्टर फार्मेसी होंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए तो 2019 का नोटिफिकेशन था, बहुत लोगों ने उस समय देखा भी था, कंसल्ट भी किया था, पर बाद में जो है लोग उसको भी दिमाग लड़ा नहीं पाए। फिर पीसीआई ने सभी स्टेट को, क्योंकि ना ये 2-3 साल से देखा जा रहा था कि जो भी फार्मेसिस्ट की जॉब आ रही थी उसमें सिर्फ डी फॉर्म ही कंसिडर करके वो भर देते भरते बोलते थे कि देखिए डी फॉर्म ही एलिजिबल है और डी फॉर्म ही वाला इसको भर सकता है। जब बी फॉर्म वाला अप्लाई करता था कहते थे भाई आप नहीं हो, डिप्लोमा लेवल पर हम ये जॉब ले रहे हैं, ठीक है। फाउंडी को तो पता ही नहीं था कि जॉब उनके लिए है भी कि नहीं है, ठीक है, दूर की बात थी। तो क्या हुआ कि पीसीआई ने हाल ही में ये नोटिफिकेशन सब स्टेट गवर्नमेंट नोटरी टेरेटरी और हेल्थ और टेक्निकल जितने भी सेक्रेटरी थे उनको भेजा कि भाई देखिए अब डी फॉर्म बी फॉर्म और फाउंडी तीनों को एलिजिबल करिए जॉब के लिए, और तीनों का लिखिए नीचे कि तीनों इस जॉब के लिए एलिजिबल है, या तो ये लिखिए या तो ये लिख दीजिए कि फार्मेसिस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मेसिस्ट रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट। इससे क्या हुआ कि बात ही खत्म, रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि ये जॉब जो हमारे लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जॉब जो है इंपॉर्टेंट हो गई। आई होप इतना हम लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे पीसीआई कहना क्या चाहती थी और यहाँ पर क्या हुआ, मिनिमम क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट कर दिया गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर डी फॉर्म पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, इन सब चीजों का डी फॉर्म पे क्या इफेक्ट आएगा हम इस चीज को बात करेंगे। यहां जॉब नोटिफिकेशन में क्या है कि डी फॉर्म 2 साल की कोर्स होती है और 500 घंटे की जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, 500 घंटे की ट्रेनिंग मतलब इंटर्नशिप होता है, ठीक है, जिसमें आपको पीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो है उस 3 मंथ का आइचिंग होता है जिसमें आपको वर्क करने होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में या फार्मेसी में, ठीक है, जहां पर भी आपका लगता हो। तो यहां पर देखिए क्या है, पहले के समय क्या था कि डी फॉर्म लेवल पर जॉब निकलती थी ज्यादातर और उसमें बी फॉर्म भी कंसीडर नहीं होते थे, पर धीरे धीरे सबकी संख्या बढ़ी, एजुकेशन क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट मिलने लगे, तो समय के मांग के अकॉर्डिंग तो जो है क्या कहते हैं यहां पर कुछ पीसीआई को बहुत बड़ा बदलाव करना चाहिए था, ठीक है, जाके जैसे कि दूसरे कंट्री में होता है, ठीक है, डेवलप कंट्री में होता है, पर यहां पर जो है समय की मांग नहीं हुई। अभी हाई क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट भी चाहिए थे और ऐसे फार्मेसिस्ट चाहिए थे जो कि रियल में फार्मेसिस्ट हों, पर ऐसा हमारे कंट्री में नहीं है अभी तक। फार्मेसी संख्या तो बढ़ रही है पर चाहे डी फॉर्म हो चाहे बी फॉर्म हो फॉर फाउंडी हो, पर कितने क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट तैयार हो रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये तैयार होता है हमारे बीच में, कितने लोग जो है बराबरी का टक्कर दूसरे हेल्थ सिस्टम में दे रहे हैं, ये क्वेश्चन इराइज होता है। क्योंकि देखिए रिकॉग्नाइज आपको तभी किया जाता है जब आप अपनी वैल्यू को दूसरों को दिखाएं, ठीक है, कि देखिए मैं पेशेंट सेफ्टी के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है, मैं देखिए फार्म को विजिलेंस के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप दूसरे को दिखाएं या अपनी बाओ अपनी जो है क्वालिफिकेशन अपनी जो है जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार जो है किसी समाज में क्या वर्क कर रहे हैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है। तो देखिए अब डी फॉर्म पर क्या है, जहां पर डी फॉर्म सारे एलिजिबल होंगे वहां बी फॉर्म भी एलिजिबल होगा, चाहे वहां पर जो है फॉर्म भी एलिजिबल होगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगा, प्राइवेट जॉब बहुत सारे डी फॉर्म के लिए है ही नहीं, ठीक है, और फार्मेसी में डी फॉर्म की जॉब लेवल कर ले या हॉस्पिटल में डी फॉर्म लेवल जॉब कर ले तो जब परमानेंट जॉब आती है तो पांचवा, ठीक है, पांचवा वेतन, ठीक है, मिल जाता है, ठीक है, चाहे बी फॉर्म हो फॉर्म डी हो। पर क्या कहते हैं वो जितने भी हॉस्पिटल में फार्मेसिस्ट होते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत ही कम सैलरी देती है और ग्रोथ भी जो होता है बहुत ही गंदा है प्राइवेट सेक्टर में। बात करें ग्रोथ से गवर्नमेंट सेक्टर की तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ज्यादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब आती है तो बहुत ही लो सैलरी आपको मिलती है, ठीक है, लो सैलरी मिलती है, ठीक है, 12,000-15,000 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आती है तो, और बाहर भी इतनी ही सैलरी है। ये डी फॉर्म किए हुए हैं 12,000 मिल जाता है, यदि बी फॉर्म किए हैं तो आपको 14,000 मिल जाता है, ऐसे ही सैलरी आपको बाहर की तरफ मिलती है। फिर इंडस्ट्री में बहुत सारे डी फॉर्म जो काम ही नहीं कर सकते,
ठीक है। हाँ पहले ये होता था कि डी फॉर्म पे ये उठा भी लेते थे, ठीक है, क्योंकि पहले बीएससी थी, केमिस्ट्री थे, ठीक है, उनको भी लेते थे, डी फॉर्म को भी ले लेते थे एज ए टेक्निकल के रूप में, ठीक है। अब जो है कंपनियों के पास बी फॉर्म ही और बीएससी ही इतनी अवेलेबल है कि उनको जरूरत ही नहीं होती डी फॉर्म उठाने की, ठीक है। तो वहां पे भी इनकी जॉब अभी जो है कोविड के बाद जो है कम हुई है, कोविड के बाद कम हुई है, ठीक है। फिर कहां पे कम हुई है, फिर एमआर मार्केटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में अब जो है एमआर की जितनी भी जॉब आती है वहां पे डी फॉर्म ही रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, या तो आप बीएससी हो और या तो आप जो है बी फॉर्म किए हो, बी फॉर्म को ये प्रायोरिटी देते हैं बीएससी की तुलना में, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब चीजें चैलेंज डी फॉर्म के समय आने लगी है, ठीक है। कोविड के बाद सारे बदलाव हुए हैं, ये एक एनालिसिस में आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व लगातार जो है मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा की जाती है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे जॉब खत्म हो रही है, कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है डी फॉर्म के समय हो रहा है, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट भी हुई है कि समझें कि आप डी फॉर्म करें या डी फॉर्म की डिग्री को अपग्रेड करें। फिर आता है नेक्स्ट एग्जिट एग्जाम का, एग्जिट एग्जाम जो है डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम जो है बीसीआई के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, हाँ लॉन्च ही किया गया है, ठीक है, गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहुत सारे लोग इसको पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हाल ही में मैंने एक फेसबुक पेज पे नेपाल का मैंने डाला था, नेपाल फार्मेसी काउंसिल का, ठीक है, नेपाल फार्मेसी काउंसिल का मैंने डाला था, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ नेपाल का, जिसमें दिखाया था कि 65% बच्चे जो हैं पास ही नहीं कर पाए, ठीक है, एग्जिट एग्जाम लाइसेंस का एग्जाम। आप बताइए 800 बच्चों में 65% निकाल लो, कितने बच्चे हैं हुए, ठीक है, मतलब कि 800 बच्चों में 65% निकल गया, मतलब कि क्या कितने बच्चे बस मिलेंगे। तो उनकी एक साल की लाइफ बर्बाद हुई, एक साल में 2 बार होता हुआ, 1 बार होता हुआ, जो भी हो लाइफ तो हुई, क्योंकि आपने घर बैठे डिग्री बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोग का जो है किसी और रीजन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग घर बैठे डिग्री लिए होंगे, बहुत लोग का जो है पढ़ाई नहीं किए होंगे, ठीक है, या पेपर टफ आ गया होगा, देखिए कुछ भी हो सकता है रीजन, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द घर बैठे भी लोग डिग्रियां लेते हैं नेपाल से भी आकर यहां पर, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इसके कारण जो है उनको जो है क्वालिफाइड नहीं कर पाए। अब देखिए आने वाले समय में क्या है कि ये इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, भले कुछ भी हो देखने को मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो डी फॉर्म इस कारण जो है थोड़ा कठिन हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो है कि सिलेबस 2020 में जो है चेंज की गई है, ठीक है, पर क्या है कि अफॉर्चुनिटी देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर में अफॉर्चुनिटी घट गई है, जहां पर बी फॉर्म धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बी फॉर्म वहां पर आ रहा है। तो ये चीज है डी फॉर्म का अफॉर्चुनिटी का घटना। अब गवर्नमेंट जॉब में भी अब ये तीनों इक्वलेंट हो रहे हैं, तो इससे क्या हुआ है कि आप ही बताइए कि जो 4 साल की पढ़ाई किया, मान लीजिए मैं आपको देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, डी फॉर्म के जितने बच्चे हैं मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, फिर मैं बी फॉर्म की फॉर्मिंग सबके एनालिसिस बताऊंगा यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा। मैं डिटेल में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको इसको फायदा मिल सके, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान क्या है कि नोटिफिकेशन निकला है पीसीआई का, जिसमें तीनों इक्वल हो गए हैं, तीनों गवर्नमेंट जॉब के लिए इक्वलेंट हैं, ये सब चीज नॉर्मल बात है, सब लोग समझा सकता है कि हाँ भाई इक्वलेंट हो चुके हैं। एक क्षुद्र नहीं होता है, क्षुद्र दिमाग में वो होती नस दबी हुई, जो लोग सोच नहीं पाते भविष्य का कि आखिर होगा क्या, बदलाव होगा क्या। मैं बताऊंगा बहुत एक होती है ना कि धीरे धीरे वेदर जब चेंज होता है, जिस मौसम होता है धीरे धीरे चेंज होता है पर पता नहीं चलता, जैसे कि अभी देखिए अभी मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लग रहा ठंड भी लग रही है। उसी तरह जो है हमेशा जो है ना हमारे कोर्सेस जो होती हैं वो चेंज होती हैं पर हमें पता नहीं चलता है। एक वजह वो था जब एमबीबीएस का पावर हुआ करता था, ठीक है, हुआ करता था, क्यों, धीरे धीरे जो है अब गवर्नमेंट जो है आयुष को भी इनके पैरेलल खड़ा कर रही है धीरे धीरे, पर हमको पता नहीं चल रहा है, आने वाले समय में पता चलेगा कि कैसे। वही चीज जो है हर कोर्स में चेंजिंग होती है समय के साथ। आज नर्सिंग की जो है लोग इसको ध्यान नहीं देते, नर्सिंग की जॉब इतनी भयंकर निकल रही है, कोविड के बाद ये निकलना शुरू हुई है बहुत भयंकर, ठीक है, और इसमें जो है जॉब लग भी रही है, बहुत लोग की लग रही है, ठीक है, और हर साल इनकी एग्जाम होती है, पर फार्मेसी में ऐसा नहीं होता है। तो ये चेंजिंग जो है हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है, फिर हमको दिक्कत होती है भविष्य में कि यार ये है वो है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि देखिए यहां पर
डिफॉर्म का क्या हुआ, आखिर डिफॉर्म का क्या आखिर दिक्कत हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है पीसीआई को खुद मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहां उन्होंने कर रही है। क्योंकि देखिए क्या है, किसी भी हॉस्पिटल में मान लीजिए दो क्वालिफिकेशन के बंदे हैं, ठीक है, एक डी फॉर्म है एक बी फॉर्म है, ठीक है, और फार्मेसिस्ट की रिक्वायरमेंट है प्राइवेट में। प्राइवेट सेक्टर में से चलता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अभी उतनी नहीं है कि सबकी गवर्नमेंट जॉब लग जा रही है। भाई 1.5 लाख बच्चे पास आउट हो रहे हैं हर साल, ठीक है, उनको कहां भरोगे, इतनी गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, बहुत ही कम सैलरी है, ठीक है, वो भी ठीक से नहीं मिल पाती सबको। और बीफॉर्म बीफॉर्म लेवल पे बहुत लोग जो है दुकान खोलने के लिए करते थे, अब दुकान लेवल पे भी इतनी ज्यादा कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी है मेडिकल शॉप को फार्मेसी को लेकर कि फाइट बहुत है। आप बैठे बैठे चाहे डिग्री ले लें और सोचे कि करने, देखिए जिसके बाप दादा के क्या नाम है जो फार्मेसी खोल के चले गए हैं उनके लिए तो बढ़िया है, वो लाइसेंस रेंट पे लेते हैं, दूसरे रेंट पे लेते हैं, अब खुद ही वो डिफॉर्म कर ले रहे हैं। इसी चीज को रोकने के लिए एग्जिट एग्जाम लाएंगे कि भाई देखिए आप घर बैठे डिग्री ले ले सकते हैं। 50-50 साल के बुढ़े, 50-45, 50-55, एक तो मैं अंकल जी जानता हूँ 60 साल के थे, वो डिफॉर्म कर रहे थे कॉलेज से, मुझे कॉल आया अंकल जी कह रहे हैं, अंकल जी के मतलब के फ्रेंड है, वो कह रहा है कि मेरे पापा जो है डिफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका बताओ प्रोसीजर, तो क्या मैं बताऊं, तो क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं और बड़े लेवल पे करती हैं। आप लाइसेंस रेट पे देती है, दूसरे दिन आपको आपको लाख मार के ऊपर डिफॉर्म कर लेता है, ठीक है, आज तो 4,000-5,000-6,000 पे बिहार में तो डिमांड पड़ गया है, क्योंकि चुनाव के कारण फार्मेसी काउंसिल बहुत दिन से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये तो भाई डिमांड ऑन द डिमांड जो है धीरे धीरे घट रहा है। तो ये सब चीजें चैलेंज भविष्य के लिए है, डिफॉर्म वाले करे क्या, ठीक है। तो यहाँ पैनालिसिस क्या है कि डिफॉर्म धीरे धीरे बहुत ही दिक्कत, बहुत ही ज्यादा फाइट है। अब तो थोड़ी उनका सिलेबस चेंज हुआ है, तो थोड़ा सिलेबस में अपग्रेडेशन भी लाया गया, फार्माकोथेरेपी ये सब चीज बढ़ाया गया है, पर आज की जो है डिफॉर्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी मैं बोला था कि हॉस्पिटल में कोई भी जॉब आती है तो डिफॉर्म को लेगा, डिफॉर्म लेगा तो आप कहोगे कि नॉलेज पे लेगा, अरे भाई दोनों फ्रेशर है, ठीक है, दोनों फ्रेशर है, और याद रखना डिफॉर्म के 3 महीने की जो है लगती है फार्मेसी हॉस्पिटल में, ठीक है, करते तो नर्सिंग वाला ही काम है, सब लोग जानते हैं, ठीक है, भले कोई भी कैंडिडेट हो, मैं बहुत सारे डिफॉर्म को देखा हूँ जो नर्सिंग वाला काम करते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में नर्सिंग वाले काम करना है, नर्सिंग एनएम वाले काम करना है, तो क्या मतलब था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीफॉर्म की पढ़ाई जो होती है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है, किस लेवल पे होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है। तो क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जॉब जो है इनकी पढ़ाई होती है, सब चीज होती है, फार्मेसी लेवल पे भी होती है, ठीक है, कुछ कुछ पढ़ाया जाता है। और बीफॉर्म कैसा डिजाइन किया गया है, इनकी जो जॉब होती है वो फार्मेसी डिस्पेंसिंग लेवल पे की गई है, पढ़ाई भी बहुत अंतर है, ये सब वीडियो में लगातार लाऊंगा, व्हाइट बोर्ड ले लिया हूं आपको भी समझाने के लिए कि बहुत सारी चीजें जो है बात अधूरी रह जाती हैं, तो आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर चैलेंजिंग क्या आ रही है कि डीफॉर्म की जॉब पे चली जा रही है, और पीसीआई नोटिफिकेशन के बाद तो बहुत सारे डीफॉर्म के बच्चे डर भी गए हैं कि सर तब हम लोग का क्या हुआ। तो देखिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आप करिए क्या, अपने डिग्री को जो है अपग्रेड कर लीजिए, अपग्रेड इन द सेंस जो है आप बीफॉर्म कर लीजिए लेट एंट्री करके, तो सारे लोग तो कर नहीं पाएंगे, पैसे लगते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, बीफॉर्म फार्मेसी, बीफॉर्म प्रैक्टिस और बीफॉर्म लेट एंट्री, दो ऑप्शन आपके पास है, जो 4 साल का कर चुके हैं वो बीफॉर्म प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो उन पास ऑप्शन है अपने डिग्री को अपग्रेड करने के लिए, यदि उनकी जॉब जो है नहीं लग पा रही है, या जो है वो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या देख रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी जॉब में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, जो फार्मेसी खोलने के उनके पास पैसे नहीं है, देखिए सबके पास पैसे नहीं होते हैं, फार्मेसी एक खोलने के लिए कम से कम 6-7 लाख अच्छे फार्मेसी खोलने के लग जाते हैं, यदि आपका लोकेशन पे ना हो तो चल भी नहीं पाता है। तो ये सब चीजें जो है चैलेंजिंग है, जो इंडस्ट्री लेवल पर सोचते हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डीफॉर्म की जॉब धीरे धीरे बहुत जगह से खत्म हो चुकी है। पहले मैं देखता था डीफॉर्म की जॉब आती थी, पर अब मैं देख रहा हूं बस गवर्नमेंट सेक्टरों में डीफॉर्म के लेवल पे जॉब आ रही है, अब वहां पे भी बीफॉर्म और फॉर्म डी एलिजिबल है। अब मान लीजिए कोई बीफॉर्म का बच्चा है, जीपेड क्वालिफाइड है, जीपेड की तैयारी करता है, ठीक है, प्लस उसकी भी तैयारी करता है, उसके नॉलेज ऑफ पॉइंट को देखिए, डीफॉर्म के नॉलेज ऑफ पॉइंट को देखिए, और आप ही बताइए कि कौन क्वालिफाइड करेगा, तो आप कहेंगे 2 साल मेरा बच रहा है, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर फाइट बहुत भयंकर बढ़ने वाली। मैं यही कह रहा हूँ क्वालिफाइड डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डिफॉर्म भी क्वालिफाइड करेंगे पर फाइट खतरनाक हो जाएगा। फाइट जो है एक इस लेवल पे था, अब इस लेवल पे चला जाएगा। लड़ाई बहुत खतरनाक होगी, इंटरव्यू बहुत ही डेंजरस होगा, ठीक है। तो फाइटिंग अब बढ़ने वाली है। अब उसमें फॉर्मडी को वेलिफिकेट कर दिया गया है, तो बहुत सारे फॉर्मडी वाले भी अब इस फील्ड में कूदेंगे, ठीक है, जॉब के लिए। कोई गवर्नमेंट जॉब ऐसी जॉब होती है जो हर कोई लेना चाहता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। तो अभी कोई भी पे स्केल मिलेगा, लोग लेके फिर अपने आप को अपग्रेड करेंगे। पर डीफॉर्म के पास क्या ऑप्शन है? मान लो वो डीफॉर्म वाला कोई जॉब पा जाता है तो अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास डिग्री, उसके पास जो है डिप्लोमा लेवल पर डिग्री है। अब उसको भी अपनी डिग्री को अपग्रेड करेगा। अब जॉब करते करते आप डिग्री कैसे ले सकते हो? चैलेंजिंग आपके पास सामने बहुत कुछ है। कि फिर मैं बताऊंगा कि फार्मेसी प्रैक्टिस रूल पीसीआई ने कहा है लगाने को हर स्टेट गवर्नमेंट की। भाई फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 को लागू करो, हर जगह लागू करो। तो इसको मैं बताऊंगा कि आखिर इसमें है क्या, इसमें अपग्रेडेशन कैसे होगा और डी फॉर्म बी फॉर्म फॉर्म डी में क्या अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। अभी तो आपको समझ में आएगा डी फॉर्म लेवल पे आपको करना क्या है। डी फॉर्म लेवल पे अपने डिग्री को अपग्रेड कर लीजिए, या तो आप तैयारी इतनी बढ़िया करिए कि एग्जिट एग्जाम भी क्वालिफाइड कर लीजिए और क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब भी आपका निकल जाए, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे हर कोई अपडेट होगा तो डिफिकल्टी आएंगी, चैलेंजिंग आएगी, और प्राइवेट सेक्टर में भी चैलेंजिंग आ चुकी है आज के समय। यदि आपको वीडियो में लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा होपलेस वाली बातें कर रहा हूं, तो देखिए मैं बढ़िया बढ़िया बातें भी करके आपको कह सकता हूँ, अरे ये है वो है स्कोप है जो ऐसा सब लोग करके डरते हैं, पर उससे कोई ना आपका फायदा ना मेरा फायदा है, ऊपर से नुकसान आपका और होगा। तो आई होप आपको अच्छा लग गया होगा। और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको, देखिए आपको क्या दिक्कत हो रही है एक कमेंट बनाइए, मैं देखूंगा चला जिस पे कमेंट होगा उसका मैं एक वीडियो बना लूंगा। पर मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते हैं, और इसमें भी जो है क्लियरिफाई करूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं हर बार क्लियरिफाई करूंगा कि इसमें क्या अपडेट है क्या नया है। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो डी फॉर्म करने जा रहे हैं या जो है बी फॉर्म करने जा रहे हैं या फॉर्म डी करने जा रहे हैं उनको शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, फैमिली मेंबर में शेयर करिए, ठीक है, और लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लीजिए, जिसकी आने वाली अपकमिंग वीडियो मिल पाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं जॉब नोटिफिकेशन ही बताता हूँ, जो अच्छे सेंट्रल लेवल पे जॉब होते हैं या स्टेट लेवल पे भी जॉब होते हैं, जो सब लोग इसमें एलिजिबल होते हैं उसको मैं बताता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।